पांच सूत्री मांगे हैं जिसके लिए दो दिन का ये आंदोलन यहाँ पे किया गया था जेल रोड चौराहे पर। हमारे साथ रविंद्र जी हैं युवा किसान संगठन से। क्या मांगे हैं जिनको लेकर के आप ये आंदोलन कर रहे हैं? सर नमस्कार। पांच सूत्री हम लोगों ने मांगे रखकर यहाँ पर सत्याग्रह हम लोग बैठे हैं। इनको मैं बता दूं कि ये जो देश है, हमारे देश के गांधी जी ने कहा था कि देश के आत्मा गाँव में बसती है, किसान में बसती है। इसलिए जो पांचों जो मांगे हैं ये हमारी किसानों से जुड़ी हुई मांगे हैं, जनहित से जुड़ी हुई मांगे हैं। जैसा कि अभी वर्तमान स्थिति में हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल करीब करीब 3 HP का कनेक्शन का हम लोग जो बिल देते हैं वो हम देते हैं 3500 रुपये। 5 HP का कनेक्शन का जो चार्ज देते हैं वो हम लोग देते हैं 4500 रुपये। सरकार इसको क्रमशः 18,000 रुपये और 28,000 रुपये करने वाली है। इसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि किसान की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इतनी महंगी राशि दे सके। साथ ही साथ सरकार का कहना है कि इसके लिए हम लोग आपको खाते में सब्सिडी देंगे, लेकिन जिस तरीके से LPG कनेक्शन में उन्होंने सब्सिडी के लिए किया, आप भली बात ही जानते हैं कि 450 रुपये की टंकी आज 900 रुपये में ले रहे हैं और 21 रुपये उसके ऊपर सब्सिडी आ रही है जो उनके मिल में जीरे के समान है। साथ ही साथ इसके ऊपर एक और सरकार का आकलन है कि 1700 करोड़ का रेवेन्यू का उनको फायदा होगा इस तरीके से, क्योंकि किसान का कहीं पर 2 बीघा जमीन है, कहीं पर 8 बीघा जमीन है, तो उसने 2 कनेक्शन भी लिए हुए, दोनों से खेती करता है, कोई पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता है, लेकिन सरकार उसके ऊपर बोल रही है कि सब्सिडी भी जो देंगे हम 1 कनेक्शन से ऊपर देंगे। मैं समझता हूँ ये एक तरीके से अत्याचार है, किसानों के ऊपर अन्याय है। वो 2 बीघा में से एक प्रोड्यूस नहीं कर लेगा कि आपको 35-36 हज़ार रुपये की राशि दे पाए। दूसरी हम लोगों की जो मांग है वो फसल बीमा को लेकर के, 2019 का फसल बीमा, 2020 का फसल बीमा। हम सब लोग जानते हैं कि 2020 में किसानों को मतलब 1-1 बीघा में से 25 किलो सोयाबीन भी नहीं हुई, यहाँ तक कि हार्वेस्टर वालों के पैसे भी, जो मजदूरों के पैसे भी किसानों ने अपने जेब से दिए थे। ऐसी स्थिति में जब वो जो फसल बीमा जो उनको तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए था, सरकारों ने घोषणा भी की थी जब उपचुनाव हुए थे हमारे यहाँ पे, तो सरकार ने बोला था कि हम तुरंत देंगे, उसमें से 5-25 किसान को दिए, बाकी 2019 का भी नहीं मिला, 2020 का तो किसी को भी नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि ये फसल बीमा तुरंत प्रभाव से मिले। तीसरी हमारी मांग है MSP, जिसको लेकर के हमारे किसान साथी जो दिल्ली में हरियाणा में बैठे हुए हैं, सरकार एक तरीके से कोई उनको खालिस्तानी बताता है, कोई पाकिस्तानी बताता है, कोई आतंकवादी बताता है। वहाँ के जब मंजर हम देखते हैं, आप लोगों के माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से देखते हैं, ऐसा लगा है, लगता है कि कोई पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो, कांटे वाले तार लगा दिए। हम उसका विरोध करते हैं और हमारे वो साथी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं। MSP को कानून बनाया जाए, MSP से कम रेट पर जो भी माल खरीदेगा उसको दंड दिया जाए, उसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान हो, ये हमारी मांग है। अगर आप अभी भी मंडी में जाएंगे, 1975 रुपये सरकार तो कहते हैं कि हमने खरीदा है, लेकिन 1975 नहीं, अभी 1300-1400 रुपये किलो में क्विंटल में गेहूँ हमारा खरीदा जा रहा है। चौथी हम लोगों की जो मांग है वो पेट्रोल डीजल को लेकर के है। अभी मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 100 रुपये लीटर डीजल और 110 से 11 रुपये लीटर पेट्रोल है। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, किसी भी देश को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर से सब जगह से महंगा हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल है। और हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के 5 राज्य जो है, वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, किसी भी राज्य में जाएंगे तो वहाँ सबसे महंगा मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का आम नागरिक और मध्य प्रदेश का किसान देश में ही नहीं दुनिया, पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल खरीद रहा है। मैं समझता हूँ एक किसान हितेशी और किसान पुत्र को हमने अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो उनको उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इसके ऊपर टैक्स में कम करना चाहिए। 100 रुपये का जब हम डीजल खरीदते हैं तो उसमें 30 रुपये क्रूड ऑयल की कीमत है और करीब करीब 35 रुपये राज्य सरकार का टैक्स है और 35 रुपये केंद्र सरकार का टैक्स है। ये जनता जाग चुकी है, अब हम घर पे सोने वाले नहीं है, घर पे बैठने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो हम अपना पूरा सामान लेकर के यही सड़कों पर, जिस तरीके से दिल्ली में लोगों ने, किसानों ने आंदोलन किया है, हम इस जेल चौराहे को भी धरना स्थल बना देंगे अपनी मांग। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण आप ये देख रहे होंगे जेल चौराहा, यहाँ पर हम लोगों ने पूर्व में भी आंदोलन किया था। यहाँ पर सर्विस रोड और फ्लाईओवर को लेकर हमारी मांग है। नेशनल हाईवे की जब गाइडलाइन है, जब सरकारें कहती है एक विधान, एक निशान, एक संविधान और एक कानून GST, तो कहाँ है आपका GST, कहाँ है आपका, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे नेशनल हाईवे को लेकर के आपने गाइडलाइन बनाई, इंदौर में आप जाओगे तो वहाँ पे दोनों साइड में सर्विस रोड बनाया है, फ्लाईओवर बनाया है, लेकिन यहाँ पे ना तो सर्विस रोड बनाया है ना ही यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया है। मैं एक और बात को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, अगर आप इंदौर में सुपर कॉरिडोर में जाएंगे, जहाँ शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा था कि हमारे प्रदेश में न्यूयॉर्क से अच्छी सड़कें, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारी जो सुपर कॉरिडोर की सड़क है वो न्यूयॉर्क से अच्छी है। 8 लेन रोड बनाया, हर जगह अपने फ्लाईओवर बनाए, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ जो 15-17 किलोमीटर का रोड है वहाँ कोई टोल टैक्स नहीं। उस सुपर कॉरिडोर से एयरपोर्ट में फ्लाइट में जाने वाले लोग बैठते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप पालनगर चौराहे पे देखेंगे, जहाँ किसान अपनी फसल लेने के लिए या अपने मवेशियों के लिए निराव लेने के लिए जाता है, मतलब ये समझ लो कि 500 मीटर पे, 300 मीटर पे आपने टोल टैक्स लगा दिया और क्षेत्रीय लोगों को भी टोल टैक्स ना देना पड़े इसका आपने कोई प्रोविजन नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ गरीब मजदूर को और किसान को ही टोल टैक्स वसूल करोगे आप, फ्लाइट में एयरपोर्ट पे जाने वाले लोगों से टोल टैक्स नहीं करोगे, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने सर्विस रोड नहीं बनाया। साथ ही साथ मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो जेल चौराया है, ये आप देखोगे कि जिला मुख्यालय जो है इस तरफ है,
बाकी पूरे जिले का विस्तार अगर हम देखेंगे तो यहाँ से बारोठा ले जाओ, हाटपिपलिया है, चापड़ा है, बागली है, खातेगांव, कन्नौद, 175 से लेकर 200 किलोमीटर तक इधर विस्तार है। उन लोगों को अगर छोटा सा भी कोई काम रहता है तो उन लोगों को यहाँ जिला मुख्यालय पे इसी सड़क से आना पड़ता है। ये एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाए, किसानों को भ्रमित न किया जाए। ये पाँचों ही जो बातें हैं हम लोगों की महत्वपूर्ण है और इन लोगों इन इन्हीं बातों को लेकर के हम यहाँ सत्याग्रह पर बैठे, और जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा हम अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। हर घर से एक एक व्यक्ति आएगा और इस सत्याग्रह को जारी रखेगा। राज्य का मामला हो या केंद्र का मामला हो, इस समय सरकार और किसानों के बीच में अविश्वास की स्थिति है। ऐसे में जो किसानों की मांगे हैं उसमें तो कई मांगे जायज भी हैं जिन्हें माना जाना चाहिए। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।